पिछले टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और इस लेक्चर में हम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अलोंग टेंजेंट एंड नॉर्मल डायरेक्शन देखेंगे। टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन। ये है, इसमें क्या है कि एक पार्टिकल जो है जब किसी प्लेन कर्व पे मूव करता है तो हम टेंजेंट की डायरेक्शन में, मान लीजिए कि पार्टिकल पॉइंट पी पे है किसी टाइम पे, तो टेंजेंट की डायरेक्शन हो गई ये और ये हो गई नॉर्मल की डायरेक्शन। नॉर्मल की डायरेक्शन हम इनवर्ट लेते हैं अंदर की तरफ। तो मान लीजिए कि पार्टिकल किसी समय पॉइंट पी पर है और इस पॉइंट के इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट एस और साई है। एस साई का मतलब यह है कि किसी फिक्स पॉइंट से, मान लीजिए ये पॉइंट हमने ले लिया ए, तो टाइम जीरो पर पार्टिकल यहां था और टाइम टी पर पार्टिकल मान लीजिए यहां है। तो टी समय में मान लीजिए पार्टिकल आर्क लेंथ एस मूव किया, तो वेलोसिटी तो हमेशा ही टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है, ये हमें मालूम है। तो वेलोसिटी टोटली उस डायरेक्शन में होगी और ये क्या होगी हम देखते हैं इसको। ये मान लीजिए इस पॉइंट का रेडियस वेक्टर आ रहा है, तो ये हो गया वेलोसिटी इज v इज इक्वल टू डी आर बाय डी टी। तो इसको ले सकते हैं डी आर बाय डी एस और डी एस बाय डी टी। तो डी आर बाय डी एस दिस इज यूनिट टेंजेंट वेक्टर, इसको टी से डिनोट करते हैं। ये टेंजेंट की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है यानी इस डायरेक्शन, और डी एस बाय डी टी ये स्पीड होगी। तो वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट इज दिस, और नॉर्मल की डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट है नहीं, वो जीरो होगा। जीरो इसलिए होगा कि वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर हमेशा टेंजेंशियल होती है, टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है, और नॉर्मल की डायरेक्शन में कंपोनेंट हमेशा जीरो होगा। तो ये वेलोसिटी हो गया डी एस बाय डी टी टी। डी एस बाय डी टी इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। यूनिट टाइम में जितना आर्क लेंथ मूव करेगा। अब आइए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पे जाने से पहले हम को कुछ और बातें जाननी है, वो देखिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंट वेक्टर क्या होगा। तो देखिए जब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे यानी कि वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव, तो इसको भी डिफरेंशिएट करना होगा और इसको भी करना होगा। तो इस वेक्टर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, ये यहां पे टाइम को डिनोट नहीं करता है, ये टेंजेंट की डायरेक्शन को डिनोट करता है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव क्या होगा ये देख लेते हैं। नाउ ये इसको हमने ऐसे लिख लिया,
दिस इज इक्वल टू के एन, के इज द कर्वेचर, ये हमें मालूम है कि ये होता है, इसको यहां पे प्रूफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये वेक्टर कैलकुलस से हम पता कर सकते हैं, वेक्टर कैलकुलस में इसका डेरिवेटिव है और ये स्टैंडर्ड फिनिट फार्मूले से हम इसको लिखते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन वेक्टर टी विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ, यानी आर्क के साथ ये कैसे कैसे मूव करेगा, तो ये वेक्टर होगा ये, और ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज वन बाय कर्वेचर, और ये क्या है डी साई बाई डी टी, यानी डी साई बाई डी टी मतलब ये जो एंगल है ये साई है, ये साई है। तो जैसे जैसे हम मूव करेंगे कर्व पे वैसे वैसे जाहिर सी बात है कि ये एंगल भी चेंज होता जाएगा, तो इसका टाइम के साथ जो डेरिवेटिव है वो ये है, के कैंसिल हो जाएगा और दिस इज डी साई बाय डी टी एन नॉर्मल की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो इसका जो टाइम डेरिवेटिव है टेंजेंट वेक्टर का, इसका डेरिवेटिव ये एक वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड ये होगा और डायरेक्शन नॉर्मल की डायरेक्शन में होगी, तो इस वेक्टर का जो रेट ऑफ चेंज होगा वो इस डायरेक्शन में होगा एन के डायरेक्शन में, इसे ध्यान रखना है। अब हम आते हैं एक्सेलरेशन पे, एक्सेलरेशन acceleration is rate of change of velocity, और velocity क्या है ये हमने देखा ds by dt t, this is d2s by dt square t, ds by dt this, the acceleration a is this ds by dt, और ये क्या है d psi by dt n, इसको थोड़ा सा हम और एक्सप्लेन करेंगे, ds by dt और d psi by लिखेंगे d psi by ds ds by dt yes. Is this? This is curvature. Curvature. And this can be written as 1 by ds by d psi means radius of curvature. Yes. So acceleration jo hai के दो कंपोनेंट टेंजेंट की डायरेक्शन में ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, और नॉर्मल की डायरेक्शन में ये कंपोनेंट होगा स्पीड स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं डीवी बाय डीटी
v means ds by dt speed, v का मतलब ds by dt जो कि स्पीड होता है, और v स्क्वायर by rho n, this. तो वेलोसिटी हो गया ds by dt इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट वेक्टर, और एक्सेलरेशन हो गया dv by dt t इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, एंड v स्क्वायर by rho, ये ध्यान रखिए, इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल. नॉर्मल की डायरेक्शन एक्सेलरेशन ये होगा, टेंजेंट की डायरेक्शन ये होगा, और स्पीड केवल टेंजेंशियल होगी. नॉर्मल के डायरेक्शन में कोई स्पीड का कंपोनेंट नहीं मिलेगा, मतलब वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं मिलेगा. वेलोसिटी इज टोटली इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट. तो ये टेंजेंट और नॉर्मल के डायरेक्शन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हो गया. अब इस पर कुछ सवाल देखिए. और रिजल्टेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन चाहिए, तो वेलोसिटी तो सिंपली हो जाएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी इज ds by dt, और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज अंडर रूट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्क्वायर प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन स्क्वायर. एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर वेलोसिटी मीन्स ये आपको पहले बता चुके हैं. तो टाइम के साथ जो एंगल चेंज होगा, मान लीजिए कि टाइम टी पे यहां है और यहां पर टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे यहां पहुंचा, जिसका जो है एंगल हो गया, मान लीजिए एंगल हो गया डेल्टा थीटा, इतना एंगल हो गया. आर प्लस डेल्टा आर, थीटा प्लस डेल्टा थीटा, इस दिस. तो मान लीजिए डेल्टा टी टाइम में इतना एंगल में चेंज आया, तो एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा बाय डी टी इज दिस. और इसको हम पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इसको अल्टीमेटली वी पी बाय आर स्क्वायर लिख सकते हैं. वी इज द स्पीड मींस डी एस बाय डी टी, ये हम आपको बता चुके हैं पहले. एंगुलर वेलोसिटी इज वी पी बाय आर स्क्वायर. यहीं पे एरियल वेलोसिटी देख लीजिए. एरियल वेलोसिटी का मतलब ये है कि यूनिट टाइम में कितना एरिया सर्व करेगा. मान लीजिए कि ये पी से क्यू तक पहुंचा कोई पार्टिकल इस प्लेन कर्व पे, तो इस दौरान इसने जितना एरिया सर्व किया, यानी इसका जो रेडियस वेक्टर है वो जितना एरिया सर्व करेगा वो देखेंगे. तो डेल्टा टी टाइम में मान लीजिए ये जो एरिया है ये डेल्टा ए है, तो इतना सर्व किया तो यूनिट टाइम में इतना करेगा, और इसकी लिमिट व्हेन डेल्टा टी टेंड टू जीरो, ये जो कुछ भी होगा ये एरियल वेलोसिटी होगी. ये एरियल वेलोसिटी होगी पॉइंट पी पर. तो एरियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज, अब ये जो सेक्टर है एरिया, इसका देखिए, इसका एरिया होगा अगर हम
क्यू से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस लाइन को एक्सटेंड करके, तो ये हो गया जो राइट एंगल ट्रायंगल है 1/2 बेस इनटू हाइट। तो हाइट को हम ये आर, अगर ये लिमिटिंग केस में जब क्यू पी को टेंड करोगा तो ये जो डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस सेम हो जाएगी, लगभग सेम हो जाएगी, तो अप्रोच करेगी सिमिलरिटी को, मतलब सेम हो जाएगी। अगर ये हम मान लीजिए एम है तो क्यू पी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू क्यू एम इन द लिमिटिंग केस व्हेन क्यू टेंड टू पी। तो ये जो आर्क लेंथ है ये क्या होगा, आर डेल्टा थीटा। तो इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं, ये हो गया 1/2, ये जो सेक्टर का एरिया है 1/2 आर स्क्वायर डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंड टू जीरो। तो दिस इज 1/2 आर स्क्वायर लिमिट डेल्टा टी टेंड टू जीरो 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी टी, ये हो जाएगा। दिस इज द एरियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग ऑन अ प्लेन कर्व। एक सवाल देखिए, अ पार्टिकल मूव्स इन अ साइक्लॉइड, अ पार्टिकल मूव्स इन अ साइक्लॉइड इन सच अ मैनर दैट resultant acceleration is always perpendicular to base so that acceleration varies inversely as the fourth power of रेडियस ऑफ कर्वेचर। अ पार्टिकल मूव्स इन अ साइक्लॉन इन सच अ मैनर दैट रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बेस सो दैट एक्सेलरेशन वेरीज इनवर्सली एज द फोर्थ पावर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। सवाल यह है, देखिए ये है साइक्लॉइड, मान लीजिए एक पार्टिकल इसके अंदर मूव कर रहा है और किसी समय पे पॉइंट पी पे है, मान लीजिए ऊपर से नीचे आ रहा है तो किसी समय पॉइंट पी पे है, यहां से चलना शुरू किया, पार्टिकल मूव इन अ साइक्लॉइड इन सच अ मैनर दैट द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, खैर वो कहीं से चलना शुरू करे
ये कह रहे हैं कि एक साइक्लॉडिकल पाथ पे एक पार्टिकल मूव कर रहा है इस तरीके से कि किसी समय रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस, जहां पे जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है वो बेस जो है इसका उसके परपेंडिकुलर है, उससे 90 डिग्री पर है। और टेंजेंट ये होगा नॉर्मल की डायरेक्शन, ये होगा तो ये हो गया टेंजेंट, ये हो गया नॉर्मल। ठीक, तो ये मान लीजिए एंगल साई है, जो टेंजेंट एक्स एक्सिस से बना है, ये ओरिजिन है, ये टेंजेंट की डायरेक्शन है, ये नॉर्मल की डायरेक्शन है, ये रिजल्टेंट इन दोनों का जो एक्सेलरेशन का होगा वो बताया गया है कि बेस के परपेंडिकुलर है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है इस डायरेक्शन में होगा और नॉर्मल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। कहा यह गया है प्रूव करने को कि सो दैट एक्सेलरेशन वेरियस इनवर्सली एज द फोर्थ पावर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये एंगल अगर साइड है तो ये एंगल भी साई होगा और ये 90 माइनस साई होगा, दिस इज 90 माइनस साई। तो तय है कि रिजल्टेंट जो है इस डायरेक्शन से 90 माइनस साई एंगल बना रहा है, तो ये तो हम जानते हैं कि tan 90 माइनस साई इज इक्वल टू नॉर्मल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये होगा। दिस इज cot साई इनटू दिस, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू tan साई इनटू नॉर्मल एक्सेलरेशन। एक तो ये रिलेशन हमको मिला, इसको हम यूज करेंगे। अब आते हैं, हमें रिजल्टेंट एक्सेलरेशन चाहिए तो उसके लिए टेंजेंट और नॉर्मल एक्सेलरेशन चाहिए। तो हमारे पास ये रिलेशन है तो इसमें से कोई एक मिल जाएगा तो दूसरा हमको अपने आप मिल जाएगा। अब आइए देखिए, जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है, सॉरी टेंजेंट एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं डी वी बाई डी टी भी लिखते हैं, इसको हम वी इज स्पीड डी वी बाई डी एस और ds by dt भी लिख सकते हैं और v dv by ds भी लिख सकते हैं। ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम हमेशा ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। v dv by ds, s आर्क लेंथ है, v स्पीड है, तो ये हमको रिलेशन मालूम है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वी डी वी बाई डी एस इज इक्वल टू टेन साई नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या है? वी स्क्वायर बाय रूट, ये होता है, ये हमें मालूम है। इससे हम स्पीड यानी v निकाल लेंगे,
v dv by ds tan psi v square ds by d psi is v dv d psi by ds. इसका इंटीग्रल देखिए log b, और इसका इंटीग्रल आप जानते हैं log sec of psi, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मान लीजिए log lambda. तो v इज इक्वल टू lambda sec of psi. ये हो गई स्पीड किसी पॉइंट पर. अब आइए एक्सेलरेशन. तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अंडर रूट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्क्वायर और नॉर्मल एक्सेलरेशन स्क्वायर. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या था? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज नॉर्मल एक्सेलरेशन इनटू टेन स्क्वायर साइन. ये था तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 1 प्लस टेन स्क्वायर साई सेक स्क्वायर साई इज सेक साई. और नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है वी स्क्वायर बाई रो. वी स्क्वायर ये दिया हुआ है. इस लैम्डा स्क्वायर बाई रो सेक क्यूब बाई सेक क्यूब साई. अब हमें रिलेशन दिखाना है. रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है. ये जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर के टर्म्स में लिखना है. देखिए we know s is equal to 4a sec psi. This is sin psi. ये इस cycloid का intrinsic equation है. Intrinsic equation of cycloid. तो ds by d psi is 4a cos psi. Rho is 4a cos psi. तो रो बाई फोर ए कॉस साई सेक साई इज फोर ए बाई रो. तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हो जाएगा. ये वैल्यू यहां रखने की कोई और कुछ नहीं करना है. रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज लैम्डा स्क्वायर बाई रो और सेक हो जाएगा फोर ए बाई रो. This it means resultant acceleration is inversely proportional to fourth power of radius of curvature. बाकी सब constant है. तो इस तरीके से ये prove हो जाएगा. ये सवाल हो जाएगा ऐसे. आइए दूसरा सवाल देखते हैं. सवाल है कि अ पॉइंट मूव्स इन अ प्लेन कर्व
so that is tangential and normal accelerations are equal, and the angular velocity of tangent is constant. Find the curve. Equation of curve. A point moves in a plane curve so that its tangential and normal accelerations are equal, and the angular velocity of tangent, is constant. एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टेंजेंट इज कॉन्स्टेंट का मतलब यह है, मान लीजिए इस प्लेन कर्व में पार्टिकल मूव कर रहा है, किसी समय पॉइंट पी पर है, और ये टेंजेंट की डायरेक्शन है, ये टेंजेंट की डायरेक्शन है, ये साई एंगल है. तो टेंजेंट का एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब यह है, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब यह है कि इसका जो रेट ऑफ चेंज है इस एंगल का, यह चाहिए. टेंजेंट जो एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से, वो समय के साथ कैसे बदलेगा उसकी बात की जाएगी. तो एक्चुअली हम इस एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं यहां पर, पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी नहीं, टेंजेंट की डायरेक्शन की एंगुलर वेलोसिटी. पॉइंट मूव्स इन अ प्लेन कर्व सो दैट इट्स टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशंस आर इक्वल. तो पहला तो ये हमारे पास है कि टेंजेंट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नॉर्मल एक्सेलरेशन. तो टेंजेंट एक्सेलरेशन होता है, अभी आपको बताया था, वी डीवी बाय डीएस. नॉर्मल एक्सेलरेशन इज दिस, तो इसको हम लिख सकते हैं डीवी बाय डीएस, वी डीएस डी साई, डीवी बाय डी साइड, और इसका इंटीग्रल होगा लॉग ऑफ वी साइड, लॉग ऑफ कोई कांस्टेंट मान लीजिए लैम्डा, तो लॉग वी बाई लैम्डा इज इक्वल टू साइड, इट मीन्स वी बाई लैम्डा इज ई पावर साइड, वी इज इक्वल टू लैम्डा ई पावर साइड. एक रिलेशन तो ये मिल गया, और हमको चाहिए इक्वेशन ऑफ कर्व. इक्वेशन ऑफ कर्व देखिए, जो टेंजेंट और नॉर्मल की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के सवाल करेंगे, तो उसमें जो इक्वेशन कर्व की मिलेगी वो इंट्रिंसिक इक्वेशन मिलेगी, क्योंकि हम एस और साई में डील कर रहे हैं, आर्क लेंथ और एंगल साई, इन्हीं के टर्म्स में इक्वेशन हमको मिलेगी, और ये इक्वेशन इंट्रिंसिक इक्वेशन कहलाती है, आप जानते हैं. जबकि हम जब रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी के सवाल करते हैं, तो वहां पर जो रिलेशंस मिलते हैं वो आर और थीटा में मिलते हैं. तो वहां पर जब पाथ की इक्वेशन, कर्व की इक्वेशन मिलेगी, तो वो पोलर इक्वेशन मिलेगी, यानी आर और थीटा में मिलेगी, ये ध्यान रखना. तो अब आइए, ये वेलोसिटी है, तो वी इज इक्वल टू लैम्डा ई पावर साई, डी एस बाय डी टी, यही तो होता है स्पीड, तो एस और साई, लेकिन टी अभी इसमें से हटाना पड़ेगा, तो इसको हम लिखते हैं ds by d psi और d psi by dt
लैम्डा ई पावर साई, ये वेलोसिटी है यानी स्पीड, सॉरी ये कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। लेकिन हमको इससे, हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर में तब्दील नहीं करना, हमें एस और साई में रिलेशन चाहिए था, उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, साई है, एस है, साई है। ये क्या है? ये एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टेंजेंट है, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टेंजेंट। ये कांस्टेंट दिया हुआ है, तो ये मान लीजिए म्यू है, ये कांस्टेंट दिया हुआ है, तो हमारा काम बन गया एस और साई में एक डिफरेंशियल इक्वेशन फिलहाल हमको मिली है, इसका इंटीग्रल करके इसको सॉल्व करें। तो इंटीग्रल आप करेंगे तो आपको दिख रहा है एकदम क्लियर कि इसका इंटीग्रल कुछ इस तरीके से एक नया कांस्टेंट ऐसे आ जाएगा। तो लॉग में लिखने की जरूरत नहीं, इस कांस्टेंट को सीधे लिखते हैं के। तो ये जो है इंट्रिंसिक इक्वेशन इस कर्व की है जिसमें पार्टिकल चल रहा है, और यही हमको चाहिए थी इक्वेशन ऑफ कर्व, लैम्डा मीन ये कांस्टेंट है, इनको रिड्यूस करना चाहे तो नया कांस्टेंट इसकी जगह ले सकते हैं, दो की जगह एक ही हो जाएगा, कोई जरूरत ऐसी नहीं है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व। तो ये हमारे सवाल थे, इसके अलावा सवाल और भी हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा सवाल, और इसमें हम फिर अगले लेक्चर में नए टॉपिक पे आएंगे, इसके सवाल आप लोग को और करने होंगे। थैंक यू।